राधे राधे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप थंबनेल और टाइटल देख के अरे स्टार्ट सोचो इतनी देर में मैं पा दू राधे राधे एवरीवन, माय नेम इज सिंगुंज गुप्ता, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप थंबनेल और टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं कौन सा चैलेंज करने वाली हूँ। ये चैलेंज सबसे पहले मालविका सेठलानी ने स्टार्ट किया था, जिनने अपने भाई जेक सेठलानी के साथ ये किया था। एंड दैट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग जब मैंने पहली बार देखा। और उनका चैनल भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूंगी। सो या अगर आप लोगों को जाके देखना है तो आप उनकी भी वीडियो जाके पहले देख सकते हैं। एंड पहले हमारी देख लो। हाँ, सो आज मैं यानी कि मेरी दी के हाथ मेरे फेस का मेकअप करने वाले हैं, जिसमें कि मैं अपने हाथ ही यूज नहीं करने वाली, मेरी दी यूज करने वाली है। जैसे ही मैंने उनकी वो वीडियो देखी थी तो मेरा सबसे पहला थॉट यही था कि ये चैलेंज मैं अपनी बहन के साथ करने वाली हूँ। सो हियर आई एम। एंड मैंने बहुत बकवास कर ली है, अब हम वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। सो विदाउट गेटिंग फर्दर डू, लेट जस्ट गेट स्टार्टेड। उल्टा तो वेरी फर्स्ट आइटम मैं यूज करने वाली हूँ वो है ये फिट मी का प्राइमर, जिसे मैं अपनी टी जोन पे लगाने वाली हूँ अपने पोर्स को कवर करने के लिए। फाउंडेशन के लिए आज मैं यूज करने वाली हूँ वेट एंड वाइल्ड का ये फाउंडेशन इन शेड टॉफी पिकैन, जिसे मैं एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अपने फेस पे इवनली स्प्रेड करके अपना क्लियर बेस क्रिएट कर लूंगी। सो ये मैंने बॉटल खोली, हम स्मॉल स्मॉल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी से स्टार्ट करेंगे। ये तो पूरी बॉटल ही खाली हो जाएगी, चिल गई मैं तो। यस हम जो भी मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं तो उसे क्लीन अपना फेस क्लीन करने के बाद लगा सकते हैं। उसके बाद ही मैंने प्राइमर यूज किया है और ये लग रहा है मेरा फाउंडेशन, जिसे मैं इवनली डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से स्प्रेड कर रही हूँ। फाउंडेशन को अपनी गर्दन पे स्प्रेड करना ना भूले, नहीं तो आप फंक्शन में डायन या डाके नहीं लग सकते। सो नाउ आई एम यूजिंग कंसीलर अपने हाईलाइट पॉइंट्स पे, ताकि जितना भी मेरा जो हाईलाइट पॉइंट्स है उस पे ज्यादातर पिगमेंटेशन होती है, तो उसको कवर अप करने के लिए। और थोड़ा सा और थोड़ा अपने चिन पे भी बनता हूँ। आई होप मैं इस वीडियो के एंड तक अपना चेहरा देके लाइव बच जाऊँ। आप सोचो, नाउ आई एम यूजिंग दिस NYB कॉन्टोर स्टिक के लिए यूज करूंगी अपने नोज के में एजेस पे। ऐसा लग रहा है आपके हाथ मेरे ऊपर से नीचे से नहीं। नाउ हम छोटा वाला डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से सबको ब्लेंड आउट करके इवनली स्प्रेड कर लेंगे। सोचो इतनी देर में मैं पा दू ये वीडियो में जरूर आना चाहिए। ओह डरावटी लग रही कंट्रोल। मैं ये बहुत ही सुंदर बेस क्रिएट किया है मैंने।
Now I am going to use this eyebrow pencil from Swiss Beauty in shade brown. आईब्रोज भरना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं एक सही बंदी नहीं हूँ सलाह देने के लिए, क्योंकि मैंने जिंदगी में आज तक अपनी आईब्रोज नहीं बनवाई है। कुछ दिनों में मैं बनवाने जाने वाली हूँ एंड मेरा हो गया। अब मैं उस पे लगे हुए ब्रश की मदद से अपनी आईब्रोज को झाड़ लूंगी। आई एम गोइंग टू यूज दिस NYBA कॉम्पैक्ट। आप चाहे तो सिर्फ लूज पाउडर यूज करके उसी एरिया को कवर कर सकते हैं जहां पे आपने कंसीलर लगाया है, बट हमने पूरे फेस को सेट कर दिया। नाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस टेक वाकी ब्लश एंड इससे मैं अपनी चीक्स को गुलाबी गुलाबी बनाऊंगी एंड और ऐसे हंसते हुए अपनी चीक्स पे अप्लाई करूंगी। नाउ हम ना उल्टा पकड़ा हुआ है तो दिख ही रहा है ना। हाँ है। नाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस आई शेडो पैलेट फ्रॉम स्विस ब्यूटी। जैसे कि मैं एक ऑरेंजी पीची शेड लूंगी। यो गाइस, सी हाउ ब्यूटीफुल आई एम लुकिंग। बिचारे मेरे हाथ थक गए। मैं शेड अप लूंगी जो कि मैं डिसाइड कर रही हूँ, ब्राउन डार्क ब्राउन शिमरी शेड, जिसे मैं अपने आईलिड पे अप्लाई करूंगी और थोड़ा पार्टी लुक दूंगी। लैशेज उठा रही हूँ मैं पीछे से। ओ मेरा हाथ, लैशेज उठा रही हूँ मैं पीछे से। मैंने ग्लू लगा दिया है लैशेज पे। सेमी सॉलिड हो जाए और अच्छे से लग पाए, क्योंकि आप जैसे ही लगा के तुरंत लगाएंगे तो वो सेट नहीं हो पाता है, चिपक नहीं पाता है। ये तो तब भी थोड़ी चलो ठीक लगते। स्ट्रगल हमारा एक हक तक पूरा हुआ है, अब बाकी थोड़े से तो फॉल्सेस रहेंगे ही, यू नो। मैं अपने बाल पीछे कर लूं। मैं अपने आप को कभी कभी मार भी लेती हूँ, यू नो, प्यार में। कितनी पगली हूँ। नाउ आई एम यूजिंग दिस मेबेलिन मस्कारा जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। जैसे देख सकते हैं कि मैंने ब्लंडर कर दिया है अपने आई लैशेज और मस्कारा के साथ, और मैंने कितना ज्यादा ब्लंडर किया है। लेकिन अगर आप किसी ऐसी प्रॉब्लम में फंसते हैं, अगर आपका आई लाइनर या मस्कारा कहीं भी लग जाता है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट हैक है कि आप उसे कुछ देर छोड़ दें ताकि वो प्रॉपरली ड्राई हो जाए, और उसके बाद आप इस स्पूली की मदद से उसे क्लीन आउट कर सकते हैं। और उसके बाद जितना भी स्प्रेड आउट है, आप उसे एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से क्लीन करके हल्का सा फाउंडेशन लगा के वापस से सेट कर सकते हैं, जैसे मैं करने वाली हूँ। थोड़ा क्या केयरफुली, सावधानी पूर्वक आप अपना मेकअप करें और ना ही ज्यादा हड़बड़ी ना करें, कवर पे भी चिपका हुआ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, उस हैक की मदद से मैंने अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लिया। अगर आप ऐसी प्रॉब्लम में हैं तो मेरा हैक यूज कर सकते हैं। मेरा हैक एंड नाउ मैं अपनी टूटी फूटी लैशेस के ऊपर ये फेसेस कनाडा का
ये फेसेस कनाडा कोई बात नहीं, फेसेस कनाडा का मैं यूज करने वाली हूँ ये लिक्विड लाइनर। सो नाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस मेबेलिन मास्टर क्रोम हाइलाइटर। नाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस स्विस ब्यूटी लिप लाइनर। And now I am going to use this Wet n Wild lipstick. नाक पे हल्का सा लग गया लेकिन ये बहुत ही सही है, लिपस्टिक थोड़ी सी फैली है बस हल्की हल्की। ओ माय गॉड बेस बहुत इवन है, बस ये आई लैशेज नहीं लग पा रहा था क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है और ये एकदम परफेक्ट ही लग रहा है जैसे कि ये मेरी नेचुरल लैशेज है सोचिए। एंड ये बहुत ही टफ चैलेंज है यू नो गाइस, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि ये बहुत अच्छा टर्न आउट होके आया है। मतलब अगर मैं 100 में से बताऊं तो इट्स 80%। सी क्योंकि थोड़ा नहीं मैं नंबर काट रही ना, इसका काट रही हूँ और थोड़ा सा लिपस्टिक का बस। वेरी नाइस है ना, और भी अच्छा कर सकती हूँ। हाँ क्योंकि अब तक जितनी भी शादियां हुई हैं उतने में उन्हीं सभी में दीदी ने ही सबको तैयार किया है। शी इज यू नो pro in this without any classes and without any course and here see so yeah I hope ये challenge आप लोगों को मजेदार लगा होगा क्योंकि मुझे तो बहुत मजा आया अपनी बहन के साथ करने में। एंड ये जो लुक आया ये बहुत ही ज्यादा अच्छा टर्न आउट होके आया है। कुछ चीजें हैं जो नहीं हो पाई क्योंकि ऑफकोर्स दिस इज अ स्ट्रगल और ये चैलेंज है, बट किसी और से मतलब किसी और का हाथ ऐसे यूज करना जिसमें कि वो प्रॉपरली देख भी नहीं पा रही थी उसमें भी इतना बढ़िया मेकअप यू नो क्रिएट करके लाना इज एन आर्ट एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। सो या मैं इस वीडियो को यही एंड करती हूँ एंड ऐसी ही एंटरटेनिंग वीडियो लेके मैं आप लोगों के साथ वापस आऊंगी और मैं जाती हूँ, तब तक के लिए राधे राधे।